गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारा लास्ट चैप्टर है अपशिष्टों का प्रबंधन, चैप्टर नंबर 17, इसे कंप्लीट करते हैं। अपशिष्ट वह पदार्थ हैं जो किसी के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, जैसे कि घरों, उद्योगों या दफ्तरों से निकलने वाला बचा हुआ कचरा, ये सारा अपशिष्ट कहलाता है। मतलब जैसे आपने अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, आप खाते हैं और फिर क्या करते हैं, जो चीज़ बच जाती है उसे आप फेंक देते हैं, तो वो फेंका हुआ क्या कहलाता है, अपशिष्ट कहलाता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ते हैं कि ये अपशिष्ट के आखिर स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। हमें जनरली पता है, हम लोग घरों में रहते हैं तो घरेलू अपशिष्ट तो होते ही हैं, और भी बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं, जैसे औद्योगिक, जहाँ उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो वहाँ पर भी कचरा होता है। फिर कृषि में भी बहुत सारे हम लोग फसलें करते हैं तो उसका भी बहुत सारा कचरा होता है। तो इन सारे कचरों के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट क्या होता है? मनुष्य द्वारा दैनिक क्रियाकलापों में अपवर्जित पदार्थों को घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि मलजल या गंदा पानी। तो मानव मल या स्नानागार या फिर रसोई से निकला हुआ जो पानी होता है, जैसे कि आपने कपड़े धुले तो उसका गंदा पानी हो गया, तो ये सारा गंदा पानी हमारा घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत आएगा। फिर आपने क्या किया, रसोई घर में आपने देखा होगा, सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं तो उसके छिकल बच जाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो भी घरेलू अपशिष्ट हो गया। फिर बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है, जैसे कि आपके यहाँ पेपर आते होंगे तो पेपर की रद्दी बच जाती है, किताबें जो पुरानी हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद में उसकी कॉपियों की वो रद्दी हो जाती है, और भी घरों में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वो भी कूड़ा कचरा बन जाता है। साथ ही आप जैसे कि क्या करेंगे, कुछ खाने का लेकर आते हैं, बिस्किट वगैरह, तो वो आपका उसका रैपर्स बच जाते हैं। पीने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आते हैं तो उनकी बॉटल्स वगैरह बच जाती हैं, तो ये भी हमारे घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत ही आता है। अब है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपने क्या किया कि आपके फादर्स या फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग कि वहाँ पर भी कुछ चीज़ें बनती हैं। जैसे कि मान लो उनके यहाँ क्या बना, लेदर की जैकेट बनी। अब लेदर की जैकेट बनी, उन्होंने जैकेट तो बना ली लेकिन उसके बाद उसकी कतरन भी बच जाती है, तो वो क्या हो गया, तो वो भी औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत ही आ गया। जैसे कि ठोस अपशिष्ट में क्या क्या रखेंगे हम, खनन, भवन निर्माण आदि से प्राप्त अपशिष्ट। जैसे कि क्या क्या उन्होंने, एल्युमिनियम की कोई कंपनी है तो उसमें जो भी उनको मटेरियल चाहिए था वो उन्होंने अपना बना लिया, फिर उसके बाद में जो उसका छीलन बच जाता है तो वो भी हमारा ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आएगा। द्रव अपशिष्ट में क्या होता है, रसायन एवं उर्वरक उद्योग, चीनी फैक्ट्री, शुद्धिकरण उद्योग, ये सारे जगहों से निकलने वाला जो कचरा होगा वो क्या कहलाता है, द्रव अपशिष्ट कहलाता है। और ये लोग क्या करते हैं, ये सारी जो रसायन होते हैं इनको नदियों में बहा देते हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, जल प्रदूषण भी फैलता है। साथ ही अब ये फैक्ट्री में जैसे चीनी बनती है तो इसके लिए क्या करेंगे, वो आग जो भट्टी वगैरह जलाते हैं उसकी वजह से जो धुआं होता है तो वो भी क्या बनेगा, एक वायु प्रदूषण फैलाने में एक सहयोग करता है, तो इसलिए औद्योगिक से निकलने वाले ये तो हो गया। साथ ही एक गैसीय अपशिष्ट, यही जो चिमनी से निकलने वाला जहरीली गैसें होती हैं, धुआं होता है, ये हमारे औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत आ जाता है। फिर है कृषिगत अपशिष्ट। कृषिगत क्या होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए लोग क्या करते हैं, कृषि की नई नई तकनीकी से उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी बहुत सारा कचरा उत्पन्न हो जाता है, और ये कचरा हमारा क्या कहलाता है, कृषिगत अपशिष्ट कहलाता है। जैसे कि क्या किया उन्होंने, बायोमास। बायोमास क्या होता है कि कृषि से जो अपशेष बचते हैं उसमें भूसा, घास, इन सारी चीज़ों से भी क्या बचता है, जो भूसा बच गया ये भी हमारा कृषिगत अपशिष्ट हो गया। और रसायन, अब उन्होंने क्या किया, अपनी खेती को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे कीटनाशक वगैरह ये सब डालने लगते हैं ताकि उनकी खरपतवार उसमें ना बढ़े, तो अब जो कीटनाशक रसायन वो मिला रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है, एक जहरीला अपशिष्ट है, तो इसे कृषिगत के अंतर्गत रखते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको सारे अपशिष्टों के बारे में समझ में आ गया होगा। इन सब के अलावा ही एक और भी होता है, इनको दो वर्गों में बांटा गया है, एक है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और एक है अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट वो कहलाता है जिसे कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके घरों में खाना
खाने के लिए आपने सब्जी लेकर आए, फल लेकर आए, उसके छिक्कल बच गए। अब ये क्या होते हैं, धीरे धीरे सड़ने गलने लगते हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, कंपोस्ट कर दिया जाता है, यानी इनको अपघटित कर दिया जाता है। तो उसके द्वारा क्या होगा कि ये फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी जो चीज़ें सड़ गल कर फिर से मिट्टी में मिल जाती हैं उन्हें तो हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चाहे उन्हें कितनी सालों तक रखे रहो वो कभी भी नहीं सड़ती, जैसे कि प्लास्टिक। आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए और आपने कोल्ड ड्रिंक्स तो ख़त्म कर दी लेकिन उसकी बोतल्स को आप रोड साइड पे फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अब ये बोतल्स चाहे सालों हजारों सालों तक पड़ी रहेंगी लेकिन वो नहीं पिघलती हैं और ना ही वो अपघटित होती हैं, डिकम्पोज नहीं होती हैं। तो इस तरह के पदार्थ को हम कहते हैं अजैव या फिर अनिम्नकरणीय अपशिष्ट। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर में समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब आपका होमवर्क है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है घटकों को प्रभावित करता है, सेकंड में आप खतरनाक लिखेंगे, थर्ड में आपको लिखना है काला जल और श्वेत जल रहता है, पांचवे में आप सीवर लाइनों से प्रभावित करवाते हैं, छठे में आपको मलजल लिखना है, सातवें में आपको लिखना है रसायन मिलाया जाता है तथा परावैगनिक किरण को प्रभावित किया जाता है, फिर है सत्य असत्य पर आपको निशान लगाना है, तो फर्स्ट में आप लिखेंगे असत्य, और दूसरा है प्राथमिक उपक्रम उपचार प्रक्रम में जैविक प्रक्रम भी कहा जाता है इसे असत्य कहेंगे, तीसरे को असत्य, चौथे को सत्य करना है, फिफ्थ है उसको आपको सत्य लिखना है, और सिक्स में आपको लिखना है दुर्गंध शेष नहीं बचती इसे सत्य कहना है, और सेवन है आपको इसे संक्रमण मुक्त बनाया जाता है सत्य। तो बच्चों इतना आपको वर्क कंप्लीट करना है, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर भी कंप्लीट कराएंगे, साथ ही कुछ नए चैप्टर्स का रिवीजन भी कराते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।